दोस्तों हर टीम जो है हमेशा से फोकस करती है अपने आने वाले सुपरस्टार्स की तरफ, आने वाले ऐसे प्लेयर्स की तरफ जो कि आगे चलकर उनके मुल्क का नाम रोशन कर सके। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान के पास ऐसा कौन सा T20 का फ्यूचर है जो कि पाकिस्तान के T20 फ्यूचर को जो है बहुत ही ज्यादा धमाकेदार करने वाला है। ऐसे 5 प्लेयर्स की हमने लिस्ट बनाई है जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट और शाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनकी कैपेबिलिटीज अब इस वक्त इस तरह बेहतरीन है तो डेफिनेटली अगर उनको बेहतरीन तरीके से ग्रूम किया जाए, बेहतरीन तरीके से उनकी कोचिंग की जाए तो डेफिनेटली ही विल बी द सुपरस्टार फॉर पाकिस्तान, और T20 वर्ल्ड कप तो पाकिस्तान का हो ही सकता है अगर इन 5 प्लेयर्स में से जो इस प्लेयर को भी मौका मिला और वो बेहतरीन परफॉर्म कर गया। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों ने करना क्या है, एक दफा लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। पहले नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो आजम खान की बात करते हैं जनाब। जिस तरह से उस बंदे ने अपने ऊपर इतनी ज्यादा तनकीद बर्दाश्त की, अपनी जसामत को लेकर इस वक्त बहुत ही ज्यादा जनाब बातें सुनी और अपनी फिटनेस को लेकर काफी ज्यादा मुजाहमत का सामना करना पड़ा, लेकिन फाइनली अब उनका बल्ला पूरी तरह से रन उगल रहा है और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा किया PSL में, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, कैरेबियन प्रीमियर लीग में, तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान के दरवाजे पर पूरी तरह से इस वक्त दस्तक दे चुके हैं। और आपको बताते चलेंगे इस वक्त T20 स्क्वाड का हिस्सा भी वो बन चुके हैं, और अगर वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर जाते हैं, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस उनके पास है, जिस तरह से उनकी फॉर्म आजकल लगी हुई है, तो डेफिनेटली अगर वो सरप्राइजली और बेहतरीन तरीके से बड़ी इनिंग्स खेल जाते हैं उनको मौका मिलने के बाद, तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान टीम के साथ ही रहने वाले हैं और बहुत से पाकिस्तानी प्लेयर्स की जनाब इस वक्त जगह खतरे में पड़ सकती है। आपको बताते चले कि इस वक्त आजम खान T20 स्क्वाड का हिस्सा बन चुके हैं, और जिस प्रकार की उन्होंने बैटिंग की, जिस तरह के अपनी शॉट्स को डिवेलप किया और जिस टेम्परामेंट के साथ उन्होंने बैटिंग की, सिचुएशन को देखते हुए इस वक्त अपनी टीम को संभाला दिया, तो डेफिनेटली आजम खान कि होते हुए पाकिस्तान का फ्यूचर जो है इस वक्त बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, और T20 में खास तौर पर उनका नाम जो है इस वक्त लाजमा मलजूम समझा जा रहा है। तो डेफिनेटली आजम खान पहले वो खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा काम कर सकते हैं। तो नंबर 2 पोजीशन की बात करते हैं तो इस वक्त साइम अयूब का नाम निकल कर आ रहा है। जिस तरह से साइम अयूब ने अपनी बैटिंग्स को डिवेलप किया, जिस तरह से उनको मौका मिला और उन्होंने दोनों हाथों से उसको ग्रैब किया, तो डेफिनेटली साइम अयूब विल बी द सेकंड ऑन आवर लिस्ट। जिस तरह से उन्होंने अपनी शानदार शॉट्स की वजह से नाम कमाया, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से उनको काफी ज्यादा पाकिस्तान का फ्यूचर स्टार कहा जा रहा है। बहुत ही छोटी उम्र में जिस तरह से उनको इस वक्त एक्सपोजर मिल चुका है, और बाबर आजम के साथ उन्होंने बैटिंग की पेशावर जलमी के साथ, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वक्त अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर दूसरी पोजिशन पर हम साइम अयूब को रखते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाले पाकिस्तान के, क्योंकि अगर साइम अयूब को बेहतरीन तरीके से ग्रूम किया जाता है, शानदार तरीके से कोचिंग की जाती है, तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान का एक बड़ा सुपरस्टार बनने जा रहे हैं और पाकिस्तान के फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा चांद सितारे जड़ने वाले हैं। नंबर 3 पोजीशन की बात करते हैं तो जनाब डेफिनेटली आपको बताते चले कि शानदार तरीके से इस वक्त मोहम्मद हारिस का नाम आता है। मोहम्मद हारिस ऑलरेडी इस वक्त पाकिस्तानी टीम के साथ है, T20 का हिस्सा है, लोहा अपना पूरी तरह से मनवा चुके हैं, परफॉर्मेंस दिखाकर अपनी टीम में जगह पक्की कर सकते हैं, लेकिन उनको डेफिनेटली इसी वजह से खिलाया जा रहा है कि उनका जा रहा ना अंदाज, वो पहली बॉल खेले या 15वीं बॉल खेले तो डेफिनेटली वो बहुत ही अपनी संतुलन के साथ, अपने माइंड के साथ क्रिकेट खेलते हैं और अपनी जनाब जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं उसी तरह से क्रिकेट खेलते हैं, अपनी नेचुरल गेम खेलते हैं। तो मोहम्मद हारिस पाकिस्तान के फ्यूचर में बहुत ही बड़ा एक सितारा बनने वाला है, और पाकिस्तान का फ्यूचर इन लोगों के हाथों में है जो कि इस वक्त बेहतरीन तरीके से टैलेंटेड क्रिकेट खेल रहे हैं। और T20 क्रिकेट आपको पता है कि नाम है सिर्फ और सिर्फ खौफ पैदा करने का, बहादुरी का नाम है, और जो प्लेयर बहादुरी से क्रिकेट खेलता है T20 तो डेफिनेटली उनका नाम अच्छे लफ्जों में ही, ऊंचे लफ्जों में ही याद रखा जाता है। तो नंबर 3 पर आते हैं मोहम्मद हारिस, और नंबर 4 की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान की यंग स्पीड गन बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही छोटे लेवल से उठकर आने वाले और अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर अपना नाम बनवाने वाले इस वक्त नन ऑफ अदर देन एहसानुल्लाह की बात करते हैं। तो एहसानुल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ही शानदार तरीके से बनने वाले हैं, क्योंकि ना सिर्फ उनके पास स्पीड है बल्कि साथ साथ उनके पास माइंड भी है। वो अगले प्लेयर को देखकर उसके मुताबिक गेंदबाजी करते हैं, ना कि सिर्फ अपना फोकस उनका स्पीड गेंदबाजी पे होता है। बहुत ही बेहतरीन स्लो बॉल, बैक ऑफ द हैंड डिलीवरीज के साथ साथ लेग कटर और ऑफ कटर का इस्तेमाल भी करते हैं, और शानदार तरीके से इस वक्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वक्त शानदार तरीके से अपना नाम बनाए हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन एहसानुल्लाह। तो नंबर 4 की बात की हमने एहसानुल्लाह की, तो नंबर 5 की बात करते हैं तो जमान खान बहुत ही
शानदार तरीके से जनाब छाए हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंसेज दिखाई है लाहौर कलंदर के साथ, मुसलसल कुछ अरसे के साथ लाहौर कलंदर के साथ जुड़े हुए हैं, स्लिंगी एक्शन और साथ साथ बहुत ही बेहतरीन स्पीड रखते हैं जमान खान। और अभी तक आपने अगर उनकी बैटिंग देखी नहीं है तो दोस्तों अगर आपको बैटिंग देखने का मौका मिलेगा तो आप कहेंगे कि ये बंदा तो बहुत ही बड़े बड़े पावर हिट भी लगा सकता है। तो जमान खान इस वक्त नंबर 5 पोजीशन पर मौजूद हैं और शानदार तरीके से पाकिस्तान के फ्यूचर में बड़े बड़े सितारे जड़ने वाले हैं, क्योंकि अगर ये 5 खिलाड़ी पूरी तरह से पाकिस्तान की टीम में रहते हैं, ग्रूम करते हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान का फ्यूचर जो है बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। और आपको बताता चलूं कि ये 5 सुपरस्टार्स पाकिस्तान को सर्व करने के लिए पूरी तरह से रेडी है और जिस तरह से इन्होंने टैलेंट दिखाया है तो डेफिनेटली पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ही सेफ हैंड्स में है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से एक दफा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि क्या आप इन 5 खिलाड़ियों से मुतासिर हैं या आप समझते हैं कि इन 5 खिलाड़ियों में से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो कि पाकिस्तान का सुपरस्टार नहीं बन सकता। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप सब लोगों तक यूं ही पहुंचती रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह।